चैनल को सपोर्ट करने के लिए मजे मजे की रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और बेल भी दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। लाइक भी जरूर करें और कमेंट भी जरूर छोड़ें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपकी बहन यास्मीन हाजिर है आपकी खिदमत में। आज मैं आपको लज़ानिया बनाना सिखा रही हूँ। बच्चे भी शौक से खाते हैं और फिर जल्दी जल्दी बन भी जाता है। लज़ानिया क्रीम है और लज़ानिया पेस्ट है, जो टमाटो पेस्ट इसको डालेंगे। और ये मैंने एक प्याज ली है मीडियम साइज का, टमाटो केचप लिए 3 टेबल स्पून, 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन के लिए, और ये मैंने चिकन लिए और ये चीज लिए और इसमें डाल दी है। ऑन करती हूँ, प्याज डाल देंगे, हल्का सा ब्राउन करेंगे। मैं इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर दूंगी। मैंने कीमा लिया हुआ है, चिकन का कीमा, ये मैं उसमें डाल दूंगी। वन टीस्पून नमक डाल दूंगी, क्योंकि चीज में भी नमक होता है इसलिए हम नमक कम डालेंगे। ये काली मिर्च है, ये ब्लैक पेपर, वो भी मैं डाल दूंगी, 1 टीस्पून है। ये टमाटर सॉस डाल दूंगी। केचप है, ये भी डाल दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए ढक्कन लेके रख लेंगे। अब हम इसमें, ये मैंने शिमले की मिर्च काटी हुई है, हाफ रेड है और हाफ ग्रीन कलर की, मैं इसमें ये भी शामिल कर देती हूँ। 3 मशरूम लिए, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए मैंने लज़ानिया को इस तरह इसके अंदर लगा दिए। अब उसके बाद ये जो मैंने तैयार किया था कीमा, वो मैं डाल रही हूँ। उसके बाद ये डाल दे, ये लज़ानिया क्रीम है, फिर एक लेयर लगा देंगे लज़ानिया की। हाफ ग्लास मैंने पानी का लिए, प्लेन पानी है बिल्कुल सादा। ये इसलिए पानी डालते हैं कि जो लज़ानिया शीट मैंने डाली है वो सॉफ्ट हो जाए, पक जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। ओवन को पहले से ऑन कर दे 5 मिनट पहले, ताकि उसकी हीट बराबर हो जाए। ओवन के अंदर रख के ऑन बंद कर देंगे 20-25 मिनट तक। चले जी, देखिए हमारा लज़ानिया तैयार हो गया, कितना गरम गरम है। और इसकी रेसिपी देखिए कितनी अच्छी बनी है। और इसके साथ ही अपनी बहन यास्मीन को इजाज़त दीजिए, मेरी तरह ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, मेरी टिप्स पे हमेशा अमल करें तो आपको बहुत टेस्टी टेस्टी खाने बनाने आ जाएंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपकी बहन यास्मीन, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।